से भी नहीं दिया जाता है और समाज भी नहीं देता बहुत सारे सामाजिक समूहों को। तो अलग अलग स्तर पे लोग इस तरह से एक कोई कॉमन फील्ड इस देश में नहीं है, तो उसमें किसका स्ट्रगल एक्सक्लूसिव है? किसी का भी स्ट्रगल एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, मैं चाय वाला था, मैं ये वाला था, वो वाला था, ये सब बोल के आप नंबर बढ़ा सकते हैं पॉलिटिक्स में, है ना। एक साथ खुद को चाय वाला भी कह रहे हैं और सारी पॉलिटिक्स करोड़ों रुपए की है, अरबों रुपए की राजनीति है, पूरा एकदम आलीशान वैभव का प्रदर्शन करते हुए वहाँ आप डिक्लेयर करेंगे मैं चाय वाला था, है ना। तो मुझे उसमें थोड़ा इस राजनीतिक माहौल के संदर्भ में इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता कि हम कौन थे और किस बैकग्राउंड से आए थे और नहीं थे। कोई ऐसा भी कोई महान नहीं है, इतना भी ख़राब नहीं है कि उसको बताने से डर लग रहा है, ऐसा भी नहीं है, है ना। तो वो भी ठीक ठाक बैकग्राउंड है, पर चलता है उतना। कि हम लोग सफलता को लेके हमेशा एक फॉर्मूले के रूप में देखने के आदि रहते हैं कि हाँ पहले से सोच लिया होगा तो ये ऐसा। लेकिन बचपन में तो मैं बहुत सारा चीज़ सोचा था, ये भी सोचा था कि क्रिकेट का कैप्टन बनूंगा, जबकि मुझे गेंद ठीक से फेंकने नहीं आती। मान लीजिए मैं क्रिकेटर बन जाता और कैप्टन बन जाता तो ये तो तुक्के की बात है कि हाँ हाँ मैंने ऐसा सपना देखा था कि मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन बनूंगा, है कपिल देव को खेलते देखता था कई बार। तो इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, एक बियॉन्ड ए पॉइंट कि आप साइकोलॉजिकल कोई साइकेट्रिस्ट इंटरव्यू करे तो समझ में आता है, कोई साइकोलॉजी का कोई प्रोफेसर इंटरव्यू करे तो समझ में आता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ ट्रेट्स देखना चाहता है कि नहीं देखना चाहता है। जैसे कुछ नेताओं के अंदर फासिस्ट ट्रेट्स होते हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरा देख सकते हैं, मैं डेमोक्रेटिक आदमी रहा हूँ परिवेश से, क्योंकि परिवेश ऐसा था कि उसमें डेमोक्रेटिक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर आप डेमोक्रेटिक नहीं होते तो बहुत सारे रिसोर्स पे आपको मौका नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों से मिलने का आपको मौका नहीं मिलता, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाती हैं कि अगर आपका के परिवेश में बहुत ज़्यादा समृद्धि ना हो या बहुत सारी चीज़ें उपलब्धता ना हो, तो आपको जब पलायन करना होता है तो आप 10 लोगों के साथ पलायन करते, तो ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक होना है ना कि आप अपने 10 दोस्तों के साथ पटना से दिल्ली आ रहे हैं पढ़ने के लिए। कई मायनों में लोग बदल बदल के शहर बदल कर आए हैं, उन्हें लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाए हैं, पर उनसे पूछिए, उनके ज़िंदगी में जाके देखिए तो किसी की ज़िंदगी में आराम नहीं है। वो बाहर से पैकेजिंग दिखता है कि ये कोई हासिल किया हुआ कुछ सक्सेस है, लेकिन अंदर सबकी उलझने दूसरे तरीके की हैं, रोज़मर्रा के जीने का के संघर्ष की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से हैं या उस वक्त क्या हम लोग देश के बारे में सोचते थे और क्या बदलाव आ गया। इसके अलग अलग पैमाने हैं कि आप किस पैमाने पर देखना चाहते हैं कि क्या बदलाव आया है। तो ऐसे जनरल तो आप नहीं बोल सकते, मैं फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे को मैं बदलाव नहीं मानता हूँ, वो ठेकेदारों का अपना एक है, उनका इकोसिस्टम बना हुआ है, जहाँ जाम देखते हैं वहाँ बना देते हैं, कुछ पैसे बना लेते हैं, फिर उस सड़क पे जाम लग जाती है ना, 2 साल तक वो अच्छी सड़क चलते रहती है, फ़ोटो खींच जाता है कि चलो कुछ काम हुआ, फिर लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे कि यार यहाँ पर कोई आराम है नहीं। तो 1-2 साल को टालने को लेके तो क्या कोई हाईवे को ऐसे देखना चाहेगा? इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि जितने भी एक्सप्रेसवे का विस्तार हुआ है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बहुत कम है, ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल बढ़ गए हैं। तो ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल बढ़ने का मतलब यह है कि जाम और उस तरह के स्ट्रेस जीवन में बढ़ना। तो कौन सा सेक्टर आप लेके क्या देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि बदलाव क्या आया है। अगर आप देखें कि अगर एजुकेशन लें तो कुछ बदलाव नहीं आया, क्या बदलाव आया है? यही बदलाव आया है कि 90% कॉलेज में टीचर नहीं हैं, ढंग के टीचर नहीं हैं, और पढ़ाने के लिए जो एडहॉक टीचर हैं या तो नहीं हैं, एकदम से एडहॉक पर रखे जा रहे हैं, उनका भयंकर एक्सप्लॉयटेशन है। तो हम कुछ ऐसे लार्जर गुड के लिए तो बहुत डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। इस देश में किसी को ऑटोनॉमी हो सकती है क्या? दे दीजिए तब भी और नहीं दीजिए तब भी, है किसी के पास? वो बीजेपी में किसके पास ऑटोनॉमी है? 2 लोगों को छोड़ के किसी के पास ऑटोनॉमी है? नहीं है ना। तो हम लोग समझते हैं कि ऑटोनॉमी दे देने से कोई बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। भाई आप 20 साल से प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, हाँ उनको आपने ऑटोनॉमी दी होगी, आओ जाओ तुम अपना खोल लो, जैसा तुमको बीघा ज़मीन चाहिए खरीद लो या हम दे देते हैं, तो उनका क्या परफॉर्मेंस है? बताया मंत्री ने? मंत्री ने ये बात बताई कि हमने 20 साल में जहाँ भी किया हो, मंत्री के पार्टी की सरकारें तो बहुत जगह 15-15 साल से हैं, वहीं बता देते कि उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या आप वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बन गए हैं वो लोग। अब आप 1000 खोल रहे हैं उसमें से 5-10 तो बन ही जाएंगे, है ना। तो वो ऑटोनॉमी पे उनका क्या परफॉर्मेंस आप बता दीजिए। तो आप वो बेसिकली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने को आजकल लोग ऑटोनॉमी कहते हैं।
हम अपना नहीं करेंगे, जाइए आप अपना जिंदा रहें चाहे मर जाएं, वैसा आप करते रहें। इसका नुकसान होगा, इसका देखिए नुकसान क्या होगा कि अभी आप भारत देश में अचानक सुन लेते हैं कि कोई रिक्शा वाले का जो बच्चा है वो बड़ा होके IAS बन गया। वो कैसे बन जाता है? उसको ज़रूर कोई कॉलेज ऐसा मिला होगा जहाँ वो भले टीचर ना हो लेकिन वो फीस उसकी 2000-4000 रुपये में है तो किसी तरह से भर के वो BA पास कर गया। अब ये ऑटोनोमी के नाम पे जो हमारे देश में यही 2-4 यूनिवर्सिटी ठीक हैं, कल को अगर इनकी फीस महंगी हो जाएगी तो यहाँ गरीब आदमी तो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक, तो चूंकि ये गरीब आदमी का बच्चा JNU तक नहीं पहुंच पाए, ये उसका डिज़ाइन है, क्योंकि वो जैसे जैसे नीचे से लोग ऊपर आएंगे ना तो सोसाइटी जो है ना वो डेमोक्रेटाइज होती चलती है। तो अंदर अगर एक ही क्लास के लोग आएंगे तो वो बदमाशी करने में थोड़ा बनता है, तो अगर बाहर वाला आएगा तो देखेगा अरे यहाँ तो गलत हो रहा है, हो सकता है उसमें रिबेल का कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जो भी इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं उनमें रिबेल करने का क्वेश्चन करने का कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए गरीब के बच्चे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके बच्चे, बैंकों में जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे, DTC का ड्राइवर है उसका बच्चा अच्छे यूनिवर्सिटी में ना पढ़ सके कभी भी, तो उसका चांस जो है ना हमेशा के लिए ख़त्म किया जा रहा है। जिस मिनिस्टर ने ये नहीं बताया कि कॉलेजों में आप टीचर अपॉइंटमेंट के लिए क्या कर रहे हो, क्या ऐसा डिज़ाइन किया कि जैसे बाकी देश के 10-12 हज़ार कॉलेज में सुधार है, आप अचानक आके हम 60 यूनिवर्सिटी का ऑटोनोमी कर रहे हैं, तो कर लो भाई, पता चल रहा कि आप कुछ काम नहीं किए हैं, तभी तो आप 60 बता रहे हैं ना। तो आप ये नहीं बता रहे कि आपका क्या बजट है, नहीं बजट है, कोर्स का नाम रख लेने के लिए आप इतना बड़ा अनाउंसमेंट करते हो, वो सब तो इंटरनल मीटिंग में होते रहते हैं कि आप कोर्स का क्या नाम रखेंगे नहीं रखेंगे, नॉमिनक्लेचर की भी अपनी पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ऑटोनोमी की समझ नहीं है, बोलने की जहाँ ढंग से अगर आप बोल रहे तो 50 ट्रोल जमा हो जाएंगे। अभी आप देखिए चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस किया है, विवाद चल रहा है कि उससे पहले IT सेल वाले ने डेट अनाउंस कर दिया, उससे पहले 2 चैनलों ने अनाउंस कर दिया, अब उन्हीं की ऑटोनोमी अब वो बचा के नहीं रख पा रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूट की ऑटोनोमी रहेगी क्या? ये कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं जो पब्लिक फंड पे चलती थी और जी हुजूर कल्चर का वो कभी कभी विरोध कर देती थी, तो वैसी संभावनाएं समाप्त। आपने कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार का क्वेश्चन रेज होते देखा है? नहीं देखा है ना। तो ये वही डिज़ाइन है कि डेमोक्रेसी को धीरे धीरे ख़त्म करना है। तो ख़त्म कैसे होगा? तो जहाँ जहाँ से सवाल करने की संभावना हो, जहाँ जहाँ पे नए बैकग्राउंड के लोग जमा हों और उनमें बेचैनियाँ ज़्यादा हो उसकी संभावना हो, उसको ख़त्म कर दो, प्राइवेट सेक्टर में बना दो, इसको कहते हैं ऑटोनोमी। वो इसलिए परिभाषा हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमने संविधान आधारित पहचान बनाने के लिए मशक्कत नहीं की है। हम समझते हैं कि नागरिक होना फोकट का काम है, हो गए तो नागरिक हो गए, नहीं नहीं, वो बड़ा निरंतर अभ्यास की चीज़ है। आपको रोज़ अपने आप को परिभाषित करते रहना पड़ता है अलग अलग संदर्भों में। लेकिन चूंकि अन्याय के इतने सारे सामाजिक पैमाने हमारे देश में कि पहचान का सवाल वहाँ से भी उठेगा, ठीक है, और उस सवाल के भीतर भी कुछ बहुत सारे खतरनाक, कुछ जायज़ सवाल होते हैं, कुछ सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल हो जाते हैं, और वो खतरनाक है सांप्रदायिक पहचान का सवाल, ठीक है। तो इससे बचने का तो एक ही तरीका है कि हम संवैधानिक पहचान को हमेशा एक डिग्री ऊपर रखें किसी भी चीज़ से, ऐसा ना हो कि आपके धर्म का त्यौहार है और आप दूसरे धर्म के मोहल्ले में जाके जुलूस लेके जा रहे हैं, इसका तो कोई तुक नहीं बनता ना। और ये पूरा पैटर्न बनाया, अभी रामनवमी के दौरान आपने देखा होगा कि उसमें MP वगैरह तलवारें लेकर कहाँ नाच रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, उनके पास जा रहे हैं, रामनवमी है तो राम का मंत्र बोलिए, दुर्गा जी का मंत्र बोलिए, तो आप वहाँ जाके बोले बोलो जय श्री राम, बोलो वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय, वो क्या बोलते नहीं है, वो बोल भी रहे हैं वो, तो आप जाके दूसरे कम्युनिटी के मोहल्ले में और इतना शक्तिशाली प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है इसका मतलब? यह है कि आप फेल हो गए हैं। जब आप फेल हो जाते हैं तो आप रिलीजन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उसकी पहचान का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हम और आप दोनों को ही बहुत कीमत चुका रहे हैं इस पहचान की राजनीति की। बहुत ज़रूरी है कि हम संविधान आधारित अपनी पहचान को विकसित करें, उसको ठीक से समझें, उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको ठीक करें, उसकी खूबियां हैं तो उसका हम विस्तार करें। ये बताता है कि हम और आप, एक स्पेस देता है संविधान हमें, हम और आप में कुछ बुनियादी बातों को लेकर हम अलग रहते हुए भी सांस्कृतिक रूप से हम इसके इस शहर के नागरिक हो सकते हैं और हमारा बराबर का अधिकार हो सकता है। पर आप धर्म का की आड़ लेकर तलवार निकाल कर ये बताना चाहते हैं कि नहीं, आपका बराबर का अधिकार नहीं है, तो ये संविधान की लोक अवमानना है।
पब्लिक कर रही है, जो सत्ता में बैठे हैं वो तो संविधान की अवमानना करते ही करते हैं, कई बार जनता भी करती है धर्म की आड़ में, वो लोक अवमानना है एक तरह से संविधान की। एक ही बात है कि मैं बोलूं तो मेरे पीछे 100 लोग मारने के लिए ना आए। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसमें क्या है, देखिए हम और आप बोलना छोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको लगता है कि ये बोल दे हमारे बदले में, तो वो संभावना खत्म होगी, तो वो लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ चली जाएगी। और यही हो रहा है कि बोलने वाले को डरा डरा कर उधर जो पीछे जो बेंच पर बैठी हुई जनता है ना, उसको मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत अब जनता की रही नहीं, जो तुमने किसी को चुना था, बनाया था कि ये आपका लाउड स्पीकर है जिसको हम मीडिया कहते हैं, इसको हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आप इसके ज़रिए बोलेंगे तो जैसा इसकी हालत किया है वैसा ही आपकी हालत करेंगे, और उनकी वैसी हालत हो गई है। वो हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन करते हैं और कातर होकर पूछ रहे होते हैं हमारे लिए तो कोई आया नहीं, इसका मतलब उनकी भी हालत वैसी हो गई है। बड़ा जनरल सा सवाल है ना, ये तो कोई स्लोगन चलता रहता है, वो बम्बई का पैसा लेकर लिख देता है मेरा देश बदल रहा है, तो उससे थोड़ी होता है बदल जाता है। अब कौन कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन मेरी अपनी चिंताएं हैं कि जब 4 जजों को बाहर आकर ये कहना पड़े कि लोकतंत्र का सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है, तो मुझे इस बदलाव पे दुख है और शक भी है। जब एक जज की मौत की जांच, जहां बात बात में इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है और जांच शुरू हो जाती है, आप एक सीडी चला दीजिए और वो अपोजिशन के नेता के खिलाफ अगले दिन सीबीआई घर पहुंच जाती है, उससे उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जज लोया की मौत, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती है ना। तो फिर ये देश तो दूसरे तरीके से बदल रहा है ना। हम तो बुजदिल इंडिया नहीं चाहते थे, हम तो बहादुर इंडिया बनाने का सपना दिखाया गया था, और आप बुजदिल इंडिया बना रहे, सबको डरा रहे हैं, बोल नहीं सकते। अभी प्रसून वाजपेयी ने कहा कि पीएमओ से फोन आते हैं न्यूज़ रूम, तो पीएमओ वाले साहब को कहा जाए कि आप न्यूज़ रूम में एडिट भी करने आ जाइए, फिर वहीं बैठिए न्यूज़ एडिट कीजिए। अगर सरकार नहीं चला रहे हैं, अगर आपको खबर ही चलानी है, तो आप न्यूज़ एडिट कीजिए, हेडलाइन आप ही लिखिए, आप ही न्यूज़ पढ़ दीजिए, फिर रेडियो की तरह आप वहाँ से खोल के रोज रात को पीएमओ से न्यूज़ ही पढ़ दीजिए, क्या दिक्कत है, सब न्यूज़ बंद करा दीजिए। अगर ये सब हो रहा है तो यही कर लीजिए, क्या ये देश का बदलना अच्छा बदलना है। कोई भी भारत किसी भी रास्ते पे चले, भले ही किसी अच्छी मंजिल पे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो बुजदिल इंडिया नहीं हो सकता ना, कि वो किसी से डरता रहे हमेशा और बोलने वाले को डराने के 9 तरह के जायज़ तरीके अपना लें, इनकम टैक्स को खड़ा कर दें, यहाँ से निकाल लाएं, वहाँ से निकाल लाएं, और आपकी रैली का कहाँ से पैसा आ रहा पता ही नहीं चल रहा है, इतना पैसा, इतनी महंगी राजनीति कहाँ से हो रही है तो पता नहीं चल रहा है किसी को। तो मेरी चिंता ये है कि हिंदुस्तान बुजदिल नहीं होना चाहिए, जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बोलें और बाकी लोग सुनते रहें, ऐसा हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से इसमें अभी बदला है, लेकिन डराने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो नहीं देखा सत्ता पक्ष किसी नेता के प्रति ये जांच एजेंसियों की इतनी सक्रियता। सारे संत हो गए हैं क्या, हो गए हैं संत? मेरा तो एक ही पैमाना है कि किसी भी सरकार का अगर आप मूल्यांकन करना है तो आप पहले देखो कि मीडिया का स्वतंत्र है कि नहीं है। अगर मीडिया स्वतंत्र लगता है कि नहीं है तो फिर आप सरकार का मूल्यांकन क्यों करना चाहते हो, उस नेता का मूल्यांकन क्यों करना चाहते हो, बात खत्म हो गई ना। फिर तो जब वही आज़ाद नहीं है तो इसका मतलब आप जो भी जानते हैं वो झूठ जानते हैं, तो अपने झूठ पे आप डांस करना चाहते हैं तो कीजिए, इसको आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल लीजिए, आप ठीक है, आप घोषित कर दीजिए कि आप बदल चुके हैं, कर लीजिए। आप एक फ्लाईओवर और हाईवे दिखा के, एक्सप्रेस वे दिखा के मुझे बताना चाहते हैं कि आप बदल गए, तो वेल एंड गुड, थैंक यू सर, आप बदल गए होंगे। लेकिन बाजार के तौर पर तो बहुत, बाजार में तो आप देखिए कितना संकट है ना। आपने जो सपना 20 साल से दिखाया है उसके तो सारे डेटा यही कहते हैं कि हम ही जैसे 4-5% के लोग हैं, 1% लोग हैं जो उसके लाभार्थी हैं, बाकी लोग तो नहीं है उसमें। बाकियों का हिस्सा तो कभी ना कभी तो मांगेंगे ना, हमसे भी मांगेंगे, आपसे भी मांगेंगे, उनसे भी मांगेंगे, तो मांगेंगे, तो सोसाइटी का प्रोसेस है। तो कहाँ लाभ मिला बता दीजिए, कहाँ लाभ मिला है बाजार के प्रोसेस से? लोगों के पास ज़्यादातर लोग आज कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रकार के सोशल सिक्योरिटी नहीं है, क्या लाभ मिल गया? लाखों लोगों से सरकारें जो हैं इम्तहान करा रही हैं और परीक्षाएं का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्या लाभ मिल गया उन नौजवानों को? उनकी कोई गलती थी? किसी राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने चुना, कोई गलती थी? नहीं थी। तो बदला क्या, मैं तो यही जानना चाहता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बाजार में और स्लोगन लिख देने से नहीं होता है ना,
इतने बड़े देश में तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जैसे इसरो वाले रॉकेट छोड़ देते हैं, वही सारे बदलाव का पैमाना थोड़ी हो जाएगा। इसरो ने एक रॉकेट छोड़ दिया है, वो एक डिपार्टमेंट है, वो कोना है, अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया काम करता है, शानदार है, दुनिया में उसका रिकॉर्ड ये है। या टीवी में इतना नहीं डिटेल में बताया जा सकता है, पर इतना ज़रूर है कि ये जो राजनीतिक पार्टी जिस राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रही है उस राष्ट्रवाद से तो बचना चाहिए, ठीक है, वो खतरनाक है। क्योंकि जब आप सवाल को ख़त्म करने के लिए उस राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करने लगते हैं, यानी कि आपने पूछा तो आप देशद्रोही हैं, देश गद्दार हैं, तो इसका निश्चित रूप से ये राष्ट्रवाद नहीं है। कोई भी राष्ट्रवाद अपने ही अपने भीतर के नागरिकों के समूह की निष्ठा पे शक करे, इसका मतलब वो राष्ट्रवाद नहीं, वो नौटंकी है, कोई प्लान है जनता के एक बड़े तबके को ख़त्म करने की, उसकी उससे उसकी नागरिकता छीन लेने के लिए, छीन लेने की, जो पूछने वाले लोग हैं उनको डरा देने की। तो पूरे दुनिया की इतिहास की यात्राएं आप देख लें, कितने साल की यात्रा है राष्ट्रवाद की, अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की यात्रा देखिए तो कोई दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही थोड़ी है, ये तो खत्म हो गया था 10 साल पहले, बोलने लगे थे लोग ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, बाउंड्री का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक दुकान है ये राष्ट्रवाद, 200 साल 300 साल इससे ज्यादा इसकी हिस्ट्री है क्या? नहीं है ना, खोजते रहिए, आप जबरदस्ती का बनाते रहिए तो उसका कोई अलग बात है, उसका तो कोई तुक नहीं है। तो एक सिस्टम आप इवॉल्व करके आए हैं तो ठीक है, तो जो राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठ के जिस राष्ट्रवाद को लेकर कर रहे हैं, निश्चित उसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बकवास है पूरी तरीके से, और वो डराने का काम ज़्यादा है। कोई भी राष्ट्रवाद की विचारधारा अगर वो डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं इंश्योर करती है, सुनिश्चित नहीं करती है, और सवाल करने वालों को आपसे असहमत होने का बराबरी का स्पेस नहीं देती है, बिना इसके कि आप उसकी निष्ठा पे शक करें, वो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है, ना वो देश प्रेम हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता वो तो पहले समझ लेना, तो उसको वो समझ जाए कि वो क्या है। राष्ट्रवाद की परिभाषा और उसकी राजनीति वो थोड़ी तय करेंगे कि कोई नई समझ बन गई एक चुनाव जीतने से। एक चुनाव जीतने से लोगों की नई समझ बन गई है क्या? 2014 के साल में लोग राष्ट्रवाद को लेकर डिबेट कर रहे थे, जो आर्टिकल लिखते हैं अंग्रेजी में कि नया इंडिया आ गया, कुछ बदल गया, लोग बदल, तो लोगों को पूछे जाके, वो तो आप टीवी के जरिए जब सत्ता में आए तो आगे आप उसको कंट्रोल बढ़ाने के लिए आपने राष्ट्रवाद का यूज किया। अब कहाँ गए डिफेंस वाले? आते हैं टीवी पे? नहीं आते हैं। एक समय 2 साल 3 साल खूब आते थे, अब क्यों नहीं आते हैं वो लोग? तो एक फॉर्मूले की तरह, डिजाइन की तरह सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए ये राष्ट्रवाद है। अब आपको खुद कम्युनलिज्म को आपको कहने में आपको शर्मिंदगी होती है, पता है कि ये फॉर्मूला पिटा है, तो आप उसको नेशनलिज्म का कवर देते हैं। आप जब एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने प्रोग्राम के को लेकर आना चाहिए और उसी को लेकर हिसाब देना चाहिए। ये जो दिन भर आइडियोलॉजिकल ड्रामा जो चल रहा है ना, जो चादर बिछाई जा रही है, वो यही इसका मतलब है कि तुम और कुछ मत पूछो हमसे, नौकरी के फ्रंट पे क्या किए, इसके फ्रंट पे क्या किए, उधर क्या किए, इधर क्या किए, बस खुश रहो कि हम राष्ट्रवादी हैं, खुश रहिए। दुनिया में कोई ऐसा देश है जो विश्वगुरु है? कौन अनाउंस करता है कि कौन सा देश विश्वगुरु है? कोई डिग्री है विश्वगुरु की? क्या बनना है सुपर पावर? कौन है इस दुनिया का सुपर पावर? कोई है? कोई एक देश है आज की तारीख में सुपर पावर? तो क्या बन जाएगा वो? चाइना है, अमेरिका है, आप देख लीजिए शक्ति संतुलन में क्या बदलाव, तो उसमें भारत की तो अपनी एक महत्वपूर्ण जगह है ही। ये विश्वगुरु क्या होता, मुझे तो समझ में नहीं आता है। कोई इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ना विश्वगुरु का। आपके यहां एक ढंग की तो यूनिवर्सिटी नहीं, आप कह रहे हो कि विश्वगुरु बन जाएंगे? किस चीज पे आप विश्वगुरु बने? फ्रांस से राफेल खरीद के, वो भी उसका दाम नहीं बता रहा हो कितने में खरीदे हैं, दूसरे देश का जहाज खरीद के आप विश्वगुरु बन जाएंगे क्या? किस चीज का बनेंगे? कहां कोई सर्टिफिकेट कोर्स है विश्वगुरु बनने का? हर कंट्री अपने इकोनॉमिक पैमाने पर अच्छा करती है, कभी बुरा करती है। भारत की अपनी जगह कई क्षेत्रों में दुनिया में आज से नहीं, बहुत पहले से है, बहुत ही मकबूलियत उसकी दुनिया में कायम रही है। तो ये जो सपना दिखाया है, कल को भारत कुछ नहीं था, आज भारत कुछ नहीं, हम परसों विश्व गुरु बनाएंगे, उन्हीं का बुलेट ट्रेन ले आके, मतलब बाकी सारे ट्रेन, बाकी फैसिलिटी को खत्म कर दीजिए। मुंबई अहमदाबाद, उसमें अभी RTI से जानकारी आई है कि 40% सीट जो है, जो नॉर्मल ट्रेन चलती है उसमें खाली रहती है, उस रूट पे आप बुलेट ट्रेन चलाए हो, उन्हीं का टेक्नोलॉजी ले आके आप कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए। तो आप अपना कोई बुलेट ट्रेन बना लेते हैं ना, फिर तो समझ में आता है कि आप विश्व गुरु बन गए।
आप स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, वो भी आपका नहीं, वो भी बाहर का है, ठीक है, वो भी लेकर आए, अब आप उस पर बात नहीं करते। दूसरे का प्लान, दूसरे की नकल कर करके आप उसमें स्लोगन लिख देने से विश्व गुरु थोड़ी होता है। देश के हर कस्बे में आप जाकर देखें, कोई ढंग का साधारण परिवार के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। इस वक्त इस देश में ऐसी ऐसी कई यूनिवर्सिटी हैं, दर्जनों, जहाँ पे 3 साल में बीए नहीं हो पाता, 4 से 5 साल होता है। बताइए किधर विश्व गुरु साहब, नौटंकी की भी हद होती है ना। ये तो विलासिता है मुद्दों की, कि आप बुनियादी चीजों को सॉल्व नहीं करके इधर उधर जीते हैं। उनका फॉर्मूला ठीक है, वो जानते हैं कि जनता इन्हीं चीजों पे लुटती मरती है तो जीत रहे हैं, लेकिन आप तो अलग से हट के आप देश को देख रहे हैं ना। तो मुझे तो वो, मैं क्या करूं उन 2 लाख बच्चे जो 3 साल में बीए नहीं कर पा रहे हैं, क्या मैं उनके बीच जाके जश्न मना सकता हूं कि भारत विश्व गुरु बना? आप मुझे बता दो। एक तो ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है, दुनिया के किसी देश का हो नहीं सकता है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन फिर भी आप जश्न मना सकते हैं उनके बीच जाके, जो 4-4 साल से 5-5 साल से इस इंतजार में है कि उनका बीए नहीं हुआ, कैसे मनाएंगे? तो ठीक कीजिए ना अपनी समस्याओं को, तो ठीक कीजिए। तो कोई कर तो रहा नहीं, सब ऐसे चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव जीतने से भारत थोड़ी महान हो जाता है, विश्व गुरु बन जाता है। चुनाव तो बहुत सारे लोग इस एट ए टाइम कहीं ना कहीं जीत रहे होते हैं, हिंदुस्तान में, राज्यों में, पार्षद में, पंचायत के स्तर पर लोग जीत रहे होते हैं, लोग हार रहे होते हैं। हेल्थ, एजुकेशन और सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि हम सब परेशान हैं कि समझ में नहीं आता कि बीमार पड़ेंगे। और ये अभी बीमा का एक फ्रॉड आया, अभी पूरा उल्लू बनाने का कार्यक्रम, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं, आप बीमा ले लो, पॉलिसी से इलाज कर लोगे, उसी से विटामिन खा लोगे। डॉक्टर भी तो होना चाहिए ना गांव देहात में, कहीं पे अस्पताल तो कहीं हो ढंग का, इलाज कहाँ कराइएगा आप, वो तो है नहीं कहीं भी। तो भाषण और पैकेजिंग से भारत को सबसे पहले इस पैकेजिंग की राजनीति से मुक्ति की जरूरत है। आज ना कल आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा कि आप इतना ही कर सकते हैं, आप उतना ही कीजिए। ये जो पैकेजिंग वाली जो है ना, पॉलिटिक्स ऑफ पैकेजिंग वाला जो है, कि आप इस हर चीज को पैकेज में बना के ये अनाउंस कर दो, ये करा दो, इससे आप नहीं पहुंचने वाले। 5 साल का समय बर्बाद हुआ, अगला 10 साल भी बर्बाद होने वाला है, ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तरह से चलेगा। 2-2 साल में प्राइवेट हॉस्पिटल बन के खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते कि नहीं खड़े होते? बनाया है लोग, क्या बनाया बताइए जरा से। एक एम्स के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट तो किए, बाकी एम्स की कोई हैसियत है आज की तारीख में? खुद ही बताएं ना, है कि नहीं है। तो आप ऐसी पैकेजिंग कर रहे हैं जो एक मिडिल क्लास में स्लोगन का काम करे, बेचारा जो गरीब है वो झांसे में आ जाए। तो ये आपकी ईमानदारी है, और मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा एक हकीकत पर आधारित राजनीति करनी चाहिए, अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए, और पहले जो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याएं उनको दूर करना चाहिए। हम उन सब को छोड़कर हवा हवाई बातें करने लगे, हम तो नागरिक बने ही नहीं अभी तक। अगर हम नागरिक होते तो दूसरे की तकलीफ में भी जाते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी सामाजिकता जो है, किसी की रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो वो सामाजिकता है ना, और कोई आपका किसान तकलीफ में है, स्टूडेंट लाठी खा रहा है, आप उसकी तकलीफ में ना जाए। तो हम सब बटे हुए लोग हैं अपने अपने मुद्दों और चिंताओं के आधार पर, ठीक। हम इस बात की चिंता करते ही नहीं हैं कि एक दूसरे बगल के नागरिक के साथ उसके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों हो रहा है, मेरा ठीक चल रहा है, उसका नहीं चलना चाहिए। तो ये जो स्वार्थ आधारित नागरिकता है, हमको तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छे नागरिक का यही कर्तव्य है कि आप देखो कि सिस्टम सबको बराबर का मौका दे रहा है कि नहीं, और आप सिस्टम के द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ सबके साथ शामिल होते हैं कि नहीं। अगर इन 2 शर्तों को आप अपने जीवन में अभ्यास के जरिए हासिल कर पाते हैं, मान लीजिए 10 रैली में नहीं है, 2 में चले जाइए, 1 में चले जाइए, जिससे आपका डायरेक्ट संबंध ना हो। आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये स्टूडेंट जो हैं, ये 4 साल से इनका बीए नहीं हुआ है, 5 साल से इनका बीए नहीं हुआ, जयप्रकाश नारायण के नाम पर इन्होंने कितना मूर्ख बनाया, अभी उनकी जयंती आ जाए, पुण्यतिथि आ जाए, तो ये सब दौड़ के वहां जमा हो जाएंगे, बकर बकर कचर कचर करने लगेंगे। लेकिन उसी जेपी के नाम पे छपरा में यूनिवर्सिटी है, वहां देखिए, वहां 2012-13 से बच्चे वहां पर फंसे हुए, उनका बीए नहीं हुआ। अगर वो रैली निकालते हैं तो मेरे लिए नागरिकता की बहुत
आदर्श स्थिति ये होगी कि उसमें पान का दुकान वाला भी चला जाए कि हाँ इन बच्चों के साथ तो गलत हुआ है। क्यों हुआ है भाई, वहाँ पे क्यों 5 साल लगना चाहिए? कोई किसान को भी उठ के चले जाना चाहिए था, कोई हाउस वाइफ को भी वहाँ उसमें उठ के चले जाना चाहिए उसकी रैली में। उसी तरह से छात्रों को भी किसानों की रैली में आ जाना चाहिए कि इनके साथ गलत हो रहा है। कि आखिर क्या है कि नेता के प्रचार के लिए तो कोई पैसे की कमी नहीं है बॉस, समस्या के समाधान के समय पैसे की कमी आ जाती है, हो क्या रहा है ये? तो ये हमारी नागरिकता में कमी तो है। हमने कभी इस तरह के सवालों को ना तो सिविक साइंस पढ़ते थे हम लोग, उसमें वो थोड़ा सा पढ़ा देते थे संविधान, मौलिक अधिकार, दायित्व, कर्तव्य वगैरह वगैरह पढ़ा देते थे, लेकिन हमने अभी भी अपने आप को लोकतंत्र में एक इकाई के तौर पर, एक नागरिक रूप में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं किया है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मतदान का 80% हो जाने से लोकतंत्र महान हो जाता है। ये हमारे चुनाव आयोग ने देश को सबसे बड़ा फ्रॉड बताया है कि 80% मतदान हो जाने से लोकतंत्र महान हो जाता है, और 5 साल में लोगों का पता नहीं रहता है अलग अलग मुद्दों पे। अगर 5 साल अगर आप अपनी भागीदारी को बढ़ाते जाएं उसके स्केल को, उसके डिग्री को, और तब मतदान करें 80%, तब लगता है कि हाँ ये हुई बात, सिस्टम चला है इस देश में। तो आप कहीं 5 साल आपका पता नहीं रहता है, अचानक आके आप वहां वोट करके उंगली देख के लगा दिए, तो मौका परस्ती है ना। दीजिए वोट, देना अच्छी बात है, देना चाहिए आपको, लेकिन यही महान, इसी से महान हो जाता है लोकतंत्र, मैं नहीं मानता इसे। तो ये पहले थोड़ी पता था, आप समय के साथ सोचते हैं कि ये क्या है। पहले हम भी सोचते थे हाँ यार वोट दे के उंगली फोटो खिंचाना सबसे बड़ी बात, यही सबसे बड़ी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए ये वननेस का फॉर्मूला, इसे डरना चाहिए। ठीक, अब तो ये इंजेक्शन देके सबका DNA एक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। ये वननेस तब होगा जब हमारी जिंदगी में हमारी कोई भूमिका ना रहे, मशीन की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप वननेस से बचिए। क्यों होना चाहिए, हमको और आपको दोनों को एक तरह क्यों होना चाहिए? सबको अलग अलग तरीके से होना चाहिए। क्यों फैमिली में सबको एक ही तरह से सोचना चाहिए? आज तक कोई ऐसा परिवार दिखा है जो देश हो जाएगा? नहीं है ना भाई। 4 भाई होते हैं, कभी 2 उधर चले गए, 1 इधर चले गए, सबका अलग अलग टेस्ट, अलग अलग टेम्परामेंट, अलग अलग लाइफ स्टोरी, कैसे एक वननेस हो जाएगा? तो ये, लेकिन आप है परिवार की तरह एकजुट रहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखिए, अपने अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के प्रति बढ़ते भी रहिए, उसमें आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लेकिन आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कोई एक हो जाए, सब कोई एक ही कपड़ा पहन के चले, बड़ा विचित्र है ये। तो मेरे लिए जितनी डाइवर्सिटी है, मैं यूनिटी को उसी से डिफाइन करता हूँ। अगर वो डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए तो फिर वो यूनिटी ख़त्म हो जाती है। बिना डाइवर्सिटी की यूनिटी का क्या मतलब है, उसका तो महत्व समाप्त हो गया। देखिए एक जो समझ में आता है कि सामाजिक परिवर्तन हमारी डेमोक्रेसी ने बहुत किया है। ठीक है, जब हमें ये समाज का जो ढांचा है वो जाति आधारित ढांचा है, 5% के पास ये अभी भी सत्ता सबसे ज़्यादा, जो 2% है, 3% है, 85% के पास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक बदलाव से नीचे की भी के लोगों ने भी अपने राजनीतिक दावेदारी की, वहाँ पे जगह बनाया, वहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, बहुत तरह के जगहों पर पहुँचे, तो वो उस पावर को उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। तो मेरे हिसाब से ये हमने लोकतंत्र का एक बहुत ही सुंदर रूप देखा है कि कोई आदमी जो बहुत ही साधारण परिवारों का है, परिवार का है, उसकी जाति के लोगों के पास चलने के लिए रास्ते नहीं दिए गए हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और उसको जाति के नाम पर मारा गया है, पीटा गया है। आज भी आप उस जाति का कोई लड़का शादी करने के लिए निकलता है तो आप उसको घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं, आप उसको मंदिर में नहीं जाने देते हैं। आज तक तो ये घटनाएँ हो रही हैं, कुछ बदलाव भी हुआ है कि लोग भी बदले हैं दूसरे तरफ से, लेकिन ये सच्चाई तो आज भी है। लेकिन ये सच्चाई आज से 40 साल पहले कितनी क्रूर रही होगी सोचिए, आज भी क्रूर है वैसे, तब कितनी भयानक रही होगी। और उसके बीच से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का पनपना, लोकतंत्र में दावेदारी करना, दूसरे लोगों का आना, उनके साथ जुड़ना और उनको सत्ता तक पहुंचाना, उनका पहुंचना, ये हमारी खूबसूरती रही है कि उसमें ये सरप्राइज एलिमेंट रहे हमारे डेमोक्रेसी के कि लोगों की आकांक्षाओं से बदलाव हुआ, ना कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के लोग आकर वहाँ पर कोई ग्रुप सेटअप किए, कैंपेन चलाया और कैंपेन के हिसाब से बदलाव हुआ। वो आर्टिफिशियल एस्पिरेशंस हैं जो कैंपेन बेस्ड चेंजेस आते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में 2014 के पहले तक बहुत सारे इस तरह के चेंजेस आए अलग अलग राज्यों में, जो लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से आए,
अब तो कैंपेन बेस्ड आता है, पीछे से वो करके आता है, कभी कांग्रेस का चुनाव कराता है, कभी बीजेपी का चुनाव कराता है, जिधर से पैसा मिल जाता है उधर का करा देता है, डेटा प्राइवेसी लेके और ये सब खेल करता है। तो ये हम थोड़ा लोकतंत्र को बहुत आर्टिफिशियल बना रहे हैं, डेमोक्रेसी को। अल्टीमेटली जनता हारेगी इसे, और आज उसकी स्थिति हो गई है वैसे जनता की, वो रोते रहती है, वो आगे प्रदर्शन करके जाती है, कहते कोई मीडिया नहीं आया। इसका यही प्रमाण, भाई आपकी ज़रूरत नहीं है अब चुनाव जीतने में, हम कैंपेन कर देंगे आप उसके हिसाब से वोट दे देंगे। नहीं ऐसा, ये सब इतनी विद्वता मेरी नहीं है कि मैं संविधान पे उतना उस तरह का कमेंट करूं, पर मुझे लगता है कि मैं ज़रूर चाहता हूं कि संविधान को लोगों तक पहुंचाऊं। हमारे संविधान में बहुत सारी क्वालिटी है, अभी आप देखिए मौलिक अधिकार को लेकर कितना डिबेट हुआ। हाँ, इस तरह के भी वकील हैं, मतलब सरकार के सत्ता के नशे में यहां तक बोल जाते हैं कि बॉडी पे स्टेट का अधिकार है। बताइए, सबसे पहले खुद ही को समर्पित कर देना था, लेकिन कोर्ट ने परिभाषित किया कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। हम ठीक ठाक हैं, अगर इतने इतने दिनों तक हमारे संविधान ने हम सबको एक गाइड किया है, जाने का और आने का मौका दिया है, इसका मतलब हमारा संविधान काफ़ी अच्छा है उसमें कोई, और जोड़ने घटाने की समय सापेक्ष ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, पर बहुत सारे ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जो चेक्स एंड बैलेंस को नए कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इंश्योर करे, उस पर सोचा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ जुडिशरी के भरोसे चेक्स एंड बैलेंस को अल्टी दरवाज़ा वहाँ तक जाके नहीं रुकना चाहिए, कोई और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो इन तीनों का मूल्यांकन करे। और मुझे लगता है कि हमारे देश में, संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक इंडेक्स होना चाहिए हर किसी का, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में स्टूडेंट लाइफ तक कितने प्रदर्शनों में गए हैं, नौकरी में आने के बाद कितने प्रदर्शनों में गए हैं, इसकी छूट होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें नए समय के हिसाब से बदलाव होने चाहिए, कि जैसे अगर कॉरपोरेट प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता करने वाला अगर वो किसी पदयात्रा में शामिल होता है, राजनीतिक विरोध में शामिल होता है, तो ये उसका मौलिक अधिकार है, किसी भी कीमत पर उसका CEO उसको बर्खास्त नहीं कर सकता, ये होना चाहिए। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अब जा रहे हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, और वहाँ उनके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ख़त्म किया जा रहा है, कि वो अगर करेंगे, मान लीजिए वो कॉरपोरेट पूरा सरकार का चेला है, हाँ उसका CEO काला सूट पहन के जो घूमता है, बिजनेस मैगजीन पर फोटो खिंचाता है, और उसके यहाँ 100,000 लोग काम करते हैं, और 100,000 लोग महसूस करते हैं कि ये सरकार गलत कर रही है, तो कल को अगर वो सड़क पर उतरना चाहें तो वो तो सबको निकाल देगा। तो ये कॉरपोरेट डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट के रिप्रेजेंटेशन में या एक्सप्रेशन में किसी का भी इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए तो ज़रूर होना चाहिए, ये मैं सरसरी तौर पे सोचता हूँ ऐसा। देखिए, हम सब की एक एक चीज़ में ये रहना चाहिए कि जो चाहे गरीब भी है, पैसे वाले का तो मैं नहीं जानता क्योंकि उसकी नीयत पर मुझे बड़ा शक होता है, लेकिन आप आम से आम गरीब से गरीब लोगों के पास जाएँ तो अपने हिंदुस्तान को बहुत प्यार करता है, उसमें एक बात है कि वो उससे नाराज़ नहीं होता, हिंदुस्तानियत से लेकर नाराज़ नहीं हो जाता है, कभी कभी कह देता है कि इस देश से चले जाने का मन करता है, वो अलग है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे बहुत मोहब्बत करता है, ये विश्वास उसका बना रहना चाहिए। अगर आप बहुत बौद्धिक चीज़ों में जाएंगे और आइडिया ऑफ इंडिया को कभी आप टैगोर के हिसाब से परिभाषित करेंगे, कभी गालिब के हिसाब से, कभी इकबाल के हिसाब से, या सुमित्रानंदन पंत के हिसाब से करने लगेंगे, या महादेवी वर्मा के हिसाब से करने लगेंगे, तो फिर उस भारत की जो भारतीयता है, जो हिंदुस्तानियत है, उसको आप ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे। तो लोग उसको महसूस करते हैं, पर आइडिया ऑफ इंडिया को हमेशा हमें अलग अलग समय में अलग अलग चश्मे से देखना चाहिए, एक आइडिया ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए कि वो एक ही तरह से होगा, उसमें बड़ा खतरा है। आइडिया ऑफ इंडिया ये है उसकी डाइवर्सिटी, लाखों प्रकार के फेस्टिवल्स, लाखों प्रकार के रिचुअल्स, लाखों प्रकार के व्यंजन, है ना। हम सिर्फ उसमें आ गया है, ठीक है, मैकडोनल्ड एक उसमें आया है, लेकिन वो सारा उसने उसके खाने पीने को स्टैंडर्डाइज नहीं किया हमारा। हम अभी भी अलग अलग प्रकार के, हज़ारों प्रकार के खा रहे हैं, जबकि बोलियाँ हमारी ख़त्म हो गई, व्यंजन बहुत सारे ख़त्म हो गए, चावल के जो वैरायटी थे हिंदुस्तान के वो ख़त्म हो गए, अनाजों की वैरायटी ख़त्म हो गई, इसके बावजूद हम यही चाहेंगे कि इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा बढ़े। और जो ये सांप्रदायिक तत्व बढ़ते चले जा रहे हैं राष्ट्रवाद की आड़ में और राजनीतिक सत्ता की आड़ में,
इसको इसको तो एड्रेस करना पड़ेगा, इसको एड्रेस यूं करना पड़ेगा कि किसी को खड़ा होकर सबको बोलना पड़ेगा कि भाई रामनवमी है, आप पूजा कीजिए, हम भी पूजा करते हैं, पूरे दिन भर पूड़ी सब्जी प्रसाद खाते रहे बैठ, लेकिन तलवारों को लेके जुलूस लेकर निकालना और किसी को भयभीत करना, उसमें गालियाँ देना, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग सुने हैं कि जिसमें आप दूसरी कम्युनिटी के लोग को गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एक जो बहुसंख्यक का अपना एक कैरेक्टर होना चाहिए, और वो कैरेक्टर होना चाहिए कि हमसे किसी को डर नहीं लगना चाहिए, ना हम किसी को डराएंगे, क्योंकि ताकत तो हमेशा उसी के पास रहेगी। अगर उसमें ये प्रवृत्ति आ जाएगी तो फिर हमारा आइडिया ऑफ इंडिया ख़त्म हो जाएगा। जितना पोलाइट हों हम उतना अच्छा है। आप जुलूस भी निकालिए, रोज़ जुलूस निकलती है इस देश में, धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, वो भी सुंदरता बढ़ाती हैं, लेकिन आप तलवार लेकर और वो सारा पता नहीं कौन आदमी है, धार्मिक है कि नहीं है, कहाँ है, तब टीका लगा लिया, तलवार, आप उस धार्मिक पहचान को आप भय कि डराने में क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि पट्टी बांध के इस तरह से आप पत्थर चलाने लगते हैं, औरंगाबाद बिहार के औरंगाबाद में हुआ, दुकानों को आप जला देते हैं। ये उदारता हमारे अंदर, कभी भी धार्मिकता इतनी हावी ना हो जाए कि हम कानून व्यवस्था का आदर करना छोड़ दें। अगर हम इस तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब बुनियादी रूप से हम संविधान में आस्था नहीं रखते हैं, और जब आप संविधान में ही आस्था नहीं रखते हैं तो आइडिया ऑफ इंडिया में क्या रखते हैं? आइडिया ऑफ इंडिया तो वो संविधान है जिसके लिए 100 साल लोगों ने लड़ा, और जब वो मौका आया कि हम अब आज़ाद हो रहे हैं तब दुनिया भर में एक मॉडर्न स्टेट आ गया था, उसके बाद लोगों ने बहस की घंटों, उसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में जमा होकर उस आइडिया ऑफ इंडिया को डिसाइड किया, परिभाषित किया, वो संविधान है। ये रहा हमारा कॉमन ग्राउंड, इधर उधर मत भटकिए, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा कॉमन ग्राउंड है, हमारा आपका वही आइडिया ऑफ इंडिया है। जो डॉक्टर अंबेडकर पकड़ा गए हैं वही आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जो किताब है, तो किताब तो बहुतों से मैं पूछता हूँ कि आपने संविधान की किताब कभी देखी है पूरी, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम नहीं, हमने संविधान की किताब नहीं देखी है, कभी छू कर देखा है तो नहीं देखा। ये इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से पूछिए कब देखा है इन्होंने संविधान की, कभी देखी है उन्होंने संविधान की किताब? यूपीएससी वाले तो फिर भी थोड़ा सा डीडी बासु पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं उसमें। तो हमें संविधान की समझ, संविधान की किताब लोगों के बीच पहुँचानी चाहिए, और मैं कहता भी हूँ लोगों से कि आप क्यों नहीं संविधान की किताब बांटते हैं लोगों तक, ताकि लोगों में समझ बने, उसके प्रति आस्था बने। वही सार है ना, अब अमृत मंथन से तो वही निकला, 100 साल के अमृत मंथन से तो हमारे पास तो आइडिया ऑफ इंडिया वही निकला, संविधान, उसके आगे पीछे कोई विधान नहीं है, वही है सिर्फ। तो आप इधर उधर टरकाते रहिए, टहलाते रहिए तो अच्छा तो नहीं है। इसलिए लोगों को थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है हमारे आसपास, क्यों जब भी कोई धार्मिक उत्सव का समय आता है उसमें हिंसा के तत्व आ जाते हैं, उनमें इस तरह की अभिव्यक्तियां होने लगती हैं जिनका संबंध हिंसा से होता है, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ठीक है, सबके धार्मिकताओं में तरह तरह की समस्याएं हैं, हम भी सती प्रथा से गुजरे हैं, ऐसी बात तो नहीं है, उन सब पे बहस चलती रहे, पर दूसरे के मोहल्ले में जाके आप जय श्री राम बोल रहे हो, और आप पूरा देख लें राम का कैरेक्टर तो कितना उदार है और विनम्र है ना, तो आप उनका जो मूल स्वभाव है वो भी आप उसके रिप्रेजेंटेशन में आप बदल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपने पार्टी के प्रोग्राम के सवालों का जवाब नहीं दे सकते कि हम नौकरी नहीं दे पाए, हम यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए अच्छा, हम हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, हम जितना वादा किए थे पूरा नहीं कर पाए, यहाँ आके इस रैली में क्या क्या बोले थे हम भूल चुके हैं, लीजिए साहब रामनवमी का जुलूस आ रहा है, अब आप सब इसमें धार्मिक रूप में आ जाएं। तो हम सबको यही करने की ज़रूरत है, जब भी नागरिक में उसकी धार्मिकता उसके अंतर्मन से बाहर निकलकर आक्रामक रूप लेने लगे तो हम सबको आगे बढ़ के उसको रोकना चाहिए, उससे दूरी बनानी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्रेसिव रिलीजियसिटी जो है उससे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। नहीं बनाना चाहते तो पहले तय कर लीजिए कि आप अपने बच्चे को दंगाई बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डिसाइड कर लीजिए आप, फिर दूसरा प्रॉब्लम आप सॉल्व हो जाएगा। जिस वायलेंस से जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं आपको लगता है, तो ये जो एग्रेसिव टोन में रैलियां निकलती हैं और छोटा मोटा कंट्रोल वायलेंस होता है और फिर समाज में डिबेट होता है एग्रेसिव का,
ये एक दिन, आज तो कंट्रोल रूप में हो रहा है, अगला स्टेज में ये उस शहर को भी खा जाएगा पूरी तरह से। अभी तो एक सड़क में विवाद होती है ना, एक सड़क में हो गया, टेंशन हो गया, उसको कर्फ्यू लगाया, अगले स्टेप में वो पूरे शहर को खा जाएगा उसमें। क्या हम और आप तैयार हैं कि अपने नौजवान लड़कों को दंगाई बना देना है? किसका बच्चा, किसी नेता का बच्चा जाता है? नहीं अरेस्ट कर सके बिहार में एक एमपी के बेटे को पुलिस। गरीब का बच्चा पकड़ा जाता है, वो हिंदू की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी बेवकूफ बनता है। तो थोड़ा बचना चाहिए, उनके तरफ भी लोग, अल्पसंख्यक समूह से लोग आग लगाने वाले होते हैं, इधर से भी लोग आग लगाने वाले होते हैं, लेकिन इधर का संगठन इतना बड़ा हो जाता है कि वो दहशत फिर फैलाने है, तो उसके साथ पावर है, सब कुछ है। पुलिस एक एमपी के बेटे को अरेस्ट नहीं कर पाती, तो चीफ मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं। तो लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए, करना क्या है बताओ? अपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है कि इधर दंगाई बनाना है? डिसाइड करो हेड एंड टेल में, फिर जो करना है करो आप। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस अग्रेसिव रिलीजियोसिटी से, धार्मिक आक्रामकता से साफ और स्पष्ट रूप से, इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दूरी बनाएं और उसको रोकें। व्यक्तिगत रूप से रोकिए, सामूहिक रूप से रोकिए। कोई रोक रहा है तो उसके पीछे खड़े हो जाइए। आपको बहुत डर लगता है तो कहिए कि हम उसका सपोर्ट करते हैं, ये तो कर सकते हैं। इसलिए इस कल्चर को बढ़ाइए। ये कल्चर जिस दिन खत्म हो जाएगा, आपको जो लग रहा है ना भीड़ में पट्टी बांध के दौड़ रहे हैं, उनको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। उनको वो इतिहास है, वो हमेशा इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि इस राजनीति को हमेशा गर्म खून की ज़रूरत होती है। वो अगले साल इसी उम्र के नए बच्चों को ढूंढ रहा होगा, इन लोगों को छोड़ दिया गया, तो ये इसी साल भर के लिए, दो साल भर के लिए इस्तेमाल होंगे, फिर छोड़ दिए जाएंगे, नए नए बच्चे इस्तेमाल होंगे। तो इसको रोकिए बॉस, थैंक यू।